इतना कमीना हो ये साला लौंडा हमारे शहर के लौंडे जितना होते कब आई है कब जाइए काओ खाइए काओ न खाइए कुछ इनके अता पता नहीं रहा आवे तो बताए थे साले के डैडी डैडी वेयर आर यू डूइंग डैडी आई एम कम फ्रॉम अमेरिका। हाँ ठीक है कहते जितना कंपनी माल हो का गोदाम में रखवा दे सब। जल्दी आओ नीचे बाबूजी। चला ठीक है रखा लागत है बेटो आइए हमारे। ओ डैडी जल्दी नीचे आओ यार बहुत धूप लग रही है यहाँ पे मुझको। ओ डैडी बुढ़े डैडी ओ मेरे बुढ़े डैडी। अरे कमीना बुढ़ापे में टांग टूट दबो तो बुढ़वा आदमी के। अरे ओ डैडी व्हाट इज दिस लोकेशन वेरी फैंटास्टिक डैडी। अरे बेटवा तोरे बाप के खून पसीना कमा ही देखा था कैसे चमका था। दिस इज अवर हाउस। हाँ बेटवा वेरी ब्यूटीफुल डैडी वेरी 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 ब्यूटीफुल। अरे बेटवा चप्पल चुरकी का भाई हमारे समझ में आया बता। चप्पल चुरकी नॉट चप्पल चुरकी डैडी जी डैडी दिस इज अमेरिका मॉडल दिस इज फैशन फॉर अमेरिका आई एम वेरी ब्यूटीफुल। फैशन है बेटवा। यस डैडी दिस इज माय फैशन। अभी देख तो डैडी जी चश्मा गॉगल्स लगा के आई एम वेरी सेक्सी लगती डैडी। फिर अंग्रेजी आती है तोरे का कहता बाबू। हाँ एक्के तमाचल था अंग्रेजी खत्म हुई है बेटवा। अरे बाबू तहा जहाँ पर फैशन उतार दी समा पूरा। हाँ बहुत तगड़ी भूख लागी है डैडी जी ट्रेन में आए घिचिर बिचिर कही कह के हम जन जन पसीना गंदात्मन का बताई। अरे वो ठीक है मैं गुड़वा के रखे पहले गुड़वा ये ना और नीचे रख दोनों रख नीचे दोनों कहीं ना। अरे काट के दे दे हमका बैग में धैली। अच्छा चल खाना दे तो चल। नहीं भूख लग गया उन्हें गोल छुआ होता है। बेटवा तू वहाँ एकदम कमीने कमीने बाप के कंधा फाथ रख दे तू। बाबू एक बात कही थी। हाँ कहा बोलत न मन बा। अरे बेटा तू तो कितना नालायक हराम खोर हुआ लेकिन तुहार बात बुरा न माना। बहुत बड़ा चूतिया है तू। हाँ वो तो वही चला एकदम बहिगा। हाँ चला खाना खा। हाँ बेटो पीछे छाता देखा। अरे इतना देर तक ना देखा कि आए वो किराएदार नहीं आए वो बहुत टंचक माल यहाँ है साले नालायक। अरे पीछे था बाप पड़ा बा किराएदारनी के पीछे पड़ा है तो का भैंसी के पीछे पड़े चाहिए ये समय बुढ़ापी में तो किराएदारनी के पीछे पड़ा है। अरे हराम खोर 5,000 रुपया भाड़ा दे थे तोरे बाप के पलस में ना बहुत देखभाल करा थे गलत निगाह गलत सोच ना रखा ना बहुत गलत निगाह एकदम अच्छी निगाह देखा। एरे आसकी में चूर हो गया छोरा काल का बुढ़ा ने भी पट्टा चाहिए 16 साल का आसकी में आसकी में। कहाँ ही करता हाय हाय अमेरिका से पढ़ के आया हूँ मैं बहुत बहुत अमीर हूँ अमेरिका से पढ़ के बहुत बहुत ज़्यादा अमीर हूँ मैं। क्या करी हम क्या करोगी मतलब ना बता दिल मेरा हम का बताई अब का मतलब दिल मन एकदम गोबर गोबर होता है बहुत मतलब शादी कह ले हमसे मतलब। हाँ ब्याह हो गया है। ब्याह हो गया है। हाँ तो का बतोरे मन से दू ना कहना केस वेस में फंसा के जेल भेजवा दे तो कह ले। अरे थोड़ी देर बतिया गया। अरे नहीं थोड़ी देर बतिया। ये सुहाने पल एकदम मौसम ठीक है मेहरारू बुला ली हवा लिए बढ़िया। और हो दोस्त ठीक है किराया पागा किरायेदार लगा तो का एक कोहनी मारा मत चला जा छतक नीचुआ मालिक है घरे के मालिक है तो लागत तो ना है ना। हाँ तो अमेरिका से रह के आवा तो लागब। अच्छा एक बात तो उसे पूछा रही पूछा जन नीचुआ मेहरारुआ है तो को मन से दुआ है। हाँ ठीक है मन करता होगा मार डाल और मेहरारू लेके भाग जाए। भाई साहब तू हमका अगर एक जानकारी देबा वो मेहरारू के बारे में ना तो का 1,000 देब। 1,000 दे हाँ। अच्छा तो के मन से बहुत संस्कारी मेहरारू है बहुत अच्छी मेहरारू मिली है तो का यार तुम्हें बहुत अच्छा लगा था तो हाँ मेहरारू बहुत अच्छी है चलते हैं चलो चल आज संजक गाँव पे हम। हाँ ठीक है आज आओ गाँव आज। हाँ हाँ ठीक है आज आओ बाबू ना बेटो आज संजक गाँव चले क्या कहीं का गाँव चल वो सारी बात रास्ता में तो बस चला बा आई गई राम दयाल बोला राम उजागर। ये तो कोनो बात ना भाई तुम्हारे पेड़ और जमीन कब्जा कर ले। किस तो है पेड़ पेड़ ये हमारा है। अरे भैया राम उजागर
शहर में रहती थी कोनो बात ना भाई, तुम्हारे पेड़ जमीन दोनों कब्जा कर ले बया। ये पेड़ हमारा बाप लगाए रहा है सब देखा था। हाँ? पानी हम डाले रहे। अरे यार पानी तू डाल रहे, जमीन तो हमारे अटे, पेड़ो हमारे भा, जमीन तो आया था अपन जमीन खसका ले जा। अरे यार कोनो बात ना भैया रामू जागे, पेड़ हमारे आए जमीन ही हमारे आए, ऐसा बात है। हाँ बहन पुलिस बुलावत है, यही फैसला हो जाए। पुलिस बुलाओ जरूरत ना ना, जो तहा बाबू तिसर की शादी ना करे रहे हैं उनके दोनों बिटी एकदम अधोए कहेंगे तहा बड़के भैया पेड़ और जमीन सब हड़प लेता, लेकिन उनके बात पर विश्वास नहीं करे। और आज आज जब देखा था आँखी सामने ना तो तू सब हड़प ले आ, ये बड़े भाई कोनो कायदा ना ठीक है, डेट टिंग टांग ना करा ठीक है। बेटवा पेड़ हमारा लगावा टेक ना, बिल्कुल जो तुहे लगावा आई इनके लगावा टे साले चूतिया। नहीं बाबू तुहे लगावा है पेड़ी, इनके लगावा टेक हमारे लगावा है। चाचा दोनों ने आपस में समझ लिया। समझे कौन जरूरत है जब पेड़ अपना कह दी। हाँ तो बोले नोए बाबू। बेटवा 500 रुपया दे मेरे तरफ से बोला तो। चाचा तू बिल्कुल सही है, बाबू तू बिल्कुल गलत है। 500 रुपये के चक्कर में साले तू हमका छोड़ देता, तू अपने जमीन जायदाद में हिस्सा न देना लायक। चाचा ही तो कौन अच्छी बात नहीं हुआ 500 का लालच देता। बाबू तू कबो गलत हो ही ना सकते, हम जानते हैं हम बचपन से। साले लालची लालची साले, मतलब मंदिर के घंटा समझ लिया दूनो भाई, कबो तू बजाओ था कबो तू बजाओ था। अरे तोरे जन बुढ़वन के बीच राहन ग्रहण का किराग मरवा तू। आ जा जा तोरे जैसे नालायक बेटो हमका जरूरत हो ना, जा। ऐसे तह बेटवा है कोनो संस्कार है इनके सबके अंदर। देखा रामू जागीर बेटो के बीच में ना लेके आवा झगड़ा, हमारा तो है अटे चला परपंच के लगे का सुलझा ली। परपंच के सरपंच होते हैं। हाँ हाँ चला ये परदेश में रखी आवा। पापा किचन का लाइट आज घर में छूट गया। ए यहाँ जब से परदनिया पाएगा मार्टिन खूब पैसा लूट लूट धरी भैया, प्रधान बहुत पैसा ही तो हम मान गए। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार नमस्कार। जय राम सरपंच जी। जय राम। और राम उजागर ठीक है? एक आए के चेहरा बड़ा जाना पहचाना लगत है। अरे सरपंच जी हम इनके छोट भाई राम दयाल ही। अच्छा राम दयाल तू ही राजा परदेश हो मां? हां हां सही बात है। तू तो बहुत पैसा कमा दे भाई, बहुत मालदार है तू। मालदार बहुत है हम सुने। अच्छा राम उजागर ये बतावा कौन काम तड़का हमसे तो कई इतने दिन बाद। अरे रुका सरपंच जी हम बतावत है, हम शहर में रही थी तो हमारे पेड़ और जमीन दोनों हड़प लेता है। कहो राम उजागर ऐसा बात माना यहाँ अपन हाँ? तो परदेश में रह दे, हम तुम्हारे साथ प्रचार करी थे गांव दारू वारू बटवाई थे, देखा था दौड़े धूपे थे। अब बाकी ऑटो तो हमारे हमारे मेरा रुआ के जो हमारे मेरे पेटोन लड़कुआ है ना वह ऑटो तो ही दे। चला नहीं देगा कंचन बलिया ही था। चल चला कहो राम दयाल। हाँ मुखिया जी। देखा भैया तू उधर आ जा परदेश में। हाँ और ये बेचारे ये मजदूर खेती किसानी करे है तो पेड़ और जमीन पे मेहनत के अनुसार अधिकार भाई इनके यार। मुखिया जी तू फैसला ना कर पाया, चलते पुलिस थाना करा वो बात कोर्ट तक जाए। चला रामू जागीर चला या सरपंच के लिए परपंच कराओ। चला आई गया रामू जागीर। हाँ पुलिस बुलाए ही आवा था साहब, अब हैं ता एक एक ना ढिलवा के रख देंगे। अब तो देख हाँ ठीक है। वाह भाई अरे साहब किसी पर कूद था। अबे हनुमान जी का भक्त ही हम, यही बड़े ऊपर कहीं कूद के आउट ही बतावा राम उजागिर राम दयाल से आए। हाँ साहब हम ही राम दयाल जानता साहेब। हाँ बोला। अरे सब जो पेड़ है सब अपन कुछ ले दे के सलटा दे। मतलब का ले दे के? अरे समझा मतलब घूस। तू घूस दिया कोई कटा तू हमका, मतलब तू हमका घूस को पुलिस समझे आ? हैं वो जमाना चला गया जब पुलिस घूस लेट रही, अब घूस को पुलिस ना रह गया है। बड़ी ईमानदार और सख्त पुलिस है आजकल, पर हमका कब घूस दिए कोई ना करा। देखो राम डाल बात सुनो हमारी। हाँ साहेब बताओ। बेचारा बहुत गरीब है ये, देखटा मुँह देखटा के बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। हमारा माना जमीन और पेड़ एक डेजा ठीक है ना। रोज देखाऊ बस रोऊ देखटा कैसे रोटा है सब रो काले जा रहा हूँ बड़ा टिंकटा। अरे वो तो ठीक है साहब, कुछ हमारो बातें सुन ले। देन हो कि नहीं आई सुन ले। चलो चलो। हाँ चलो। कहा था साहब हम शहर में रहते रहे, हमारा बड़ा भाई है जमीन और पेड़ सब हमारे हड़प लेता है। अरे हम का बताई राम दयाल सारा शकल से हमका लागत है बहुत बड़ा बेईमान है, कसम से बताओ तो ही। हाँ सर खर्चा पानी समझता। हाँ हाँ साहब ले ले मोटी गड्डी लाए का टेंशन लेता ले, लेकिन पक्ष हमारे लिहा तो हम पक्ष ले एक तरफा तो पक्ष रहे। हाँ ठीक है। अब हम जगह इनका झुंझुन फंठा मार चला। चलो
चलो ठीक है, तो सबके फायदा में करब एतवार का, ठीक है गई पैसा उसे जमा करी बैंक में, ठीक है चल रही है। सारा पेड़ काट डरम न रहे, बास न बाजे बास खुली काट डरा तू, जब तुका कटे न सकू ना तुका कटा। हां काट तो ये कटा। अरे बेटो ई काव कोई धा तू बाबू, हाथ छोड़ा, यहां खड़ा होकर दोनों ने पेड़ काटा था, अगर लगाए होते पेड़ ना तो ना कटता। और बाबू तू शहर में जब आम खरीद खरीद के खाते तो खाते ताजा ना ना, अरे पेड़ आए लकड़ी छा फल सब कुछ देता, काव लेता तो सबसे पेड़ काटा था। और चाचा तू आजा बाबा लगाए गाँ पेड़ ना, ये बड़े दर्द ना होता है तो लगाए होते हैं दोनों जने ना तो समझ में आवत। और बाबू आज हमारे हाथ में थोड़ के खून निकला तो दर्द होता है तो का काहे बड़े हमका पैदा करया, ऐसे दोनों जने अगर पेड़ लगाए होते ना तो कटते ना, और हमका तोरे सबके बीच रहन के ना चलता ही अमेरिका गाँव कहते होगा तेरे गाँव में। राम राम। हेलो गाइस, आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज सिर्फ इतना कहूँगा वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जितने भी लोग अपनी भाषा समझते हैं सभी के पास वीडियो शेयर कर देना, और एक पेड़ जरूर लगाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय टाटा।